श्रीकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो वेस्ट्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये पार्टनर आपके कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। आप अगर एक्स के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है अगर आपके हस्बैंड वाइफ में, तो अदरवाइज आप ऐसे भी उनकी फीलिंग्स चेक कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें। उसी एनर्जी को देखें जो कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है। जबरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सो आप किसी भी रोमांटिक पार्टनर के लिए देख सकते हैं ये रीडिंग, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, करंट फीलिंग। सुबह से वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे ये हम चेक करेंगे आज। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जबरदस्ती का अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें अगर एनर्जीज आपसे मैच नहीं कर रही है तो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो अगेन, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, नहीं तो यू नो ऊपर दिख रहे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट आप मुझे सिर्फ मेल के द्वारा ही कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं आप मुझसे कनेक्ट करने के लिए और वहाँ मैं आपको गाइड करूँगी। मेरा नंबर मैंने कहीं भी नहीं दिया है, सो इसलिए मेल कीजिए मुझे और फिर मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। वन मोर टाइम प्लीज। वाओ, ब्यूटीफुल फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है, क्या बात है। ओके, क्या ही बोलूं और मैं। ओके, गाना चैनल हो रहा है एक। क्या गाना ये? ओके, क्या है ये? अच्छा, ओके 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 ओके। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तो क्या, एक दूजे बिन हम अकेले। दोनों के मन से, मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। हाय हाय हाय, कौन सा गाना ये? दोनों के मन से, मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले। तो रखे के छोड़े कहाँ। अच्छा, ओके, डफली वाले डफली बजा। सुनिएगा, कुछ होगा आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता डफली वाले में क्या है आप लोगों के लिए, जरूर कुछ ना कुछ होगा इसमें। ठीक है, टर्निंग इन, गोइंग विद द फ्लो, The source. So, 10 of cups की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा आ रही है रीडिंग में, है ना। 10 of cups की एनर्जी जो है ना, वो खुशियों को बताती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान मैरिज करके ही आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इंसान 10 of cups मतलब क्या होता है कि सारी खुशियाँ, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ वो होती है 10 of cups। ठीक है, तो ये इंसान अपनी सारी खुशियाँ आपके साथ देखना चाहते हैं। फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है। ना 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 ना
आई डोंट नो डफली वाले में क्या होगा आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, सुनिएगा ठीक है। पाथवे सडन वेल्थ, देखिए आपके पार्टनर के साइन जो है ना वो हो सकते हैं एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज दिख रहा है मुझे, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 2, 7, 4, 20, 24, 2, 6, 19, जो कि 10 भी होता है, 1 भी होता है, ठीक है। 12, 3, 8 and 11 or 2, ठीक है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है ना, इनकी लाइफ जो है, इनकी लाइफ की एनर्जी जो है, जो चल रहा है इनके लाइफ में, कुछ ना कुछ ये इंसान फियर में है, या फिर एक इनसिक्योरिटी में है, या फिर एक उदासी में है, या फिर यू नो, अपने मन में बहुत कुछ दबाए हैं ये इंसान, ऐसा लग रहा है मुझे। इनके घर परिवार में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ के साथ, अगर नहीं तो फैमिली में यू नो, पेरेंट्स के साथ, या कुछ ना कुछ घर में इश्यूज चल रहे हैं, मे बी इनके मैरिज को लेके, अगर ये अनमैरिड हैं तो, और अगर नहीं तो कुछ ना कुछ इश्यूज इनके चल रहे हैं घर पे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ इशू हो सकता है, या फिर घर के मेंबर्स में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये इंसान जो है अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो, अपनी अंतर मन की आवाज़ को ये इंसान दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं सुन रहे हैं, या फिर सुनना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको सुनना चाहिए अपने मन की बात, ठीक है। ओवरऑल इनकी जो लाइफ की एनर्जी थोड़ी सी डिप्रेस्ड एनर्जी है, इनसिक्योर, फियर, ऐसी एक एनर्जी है, लॉस की एनर्जी, ठीक है। अगेन दो डिसीजन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे कि यू नो, डिसीजन लेना है, क्या लें, कैसे आगे बढ़े, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनको अंदर से परेशान कर रही है, ठीक है। तो वैसे भी 8-8 का पोर्टल जो है ना, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है, और इस टाइम जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं वो भी अभी इम्बैलेंस होंगे, उनके भी थाट्स अभी यू नो, फ्लक्चुएट होंगे, फीलिंग्स उनकी यू नो, अप डाउन होंगी, या फिर कभी नहीं, कभी हाँ, कभी हाँ, कभी ना वाली फीलिंग्स रहेगी। सो 8-8 का पोर्टल ऐसा होता है जो कि कुछ सरफेस में अगर आ रहा है उसको रिलीज़ करना पड़ता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, लेकिन अगर कोई कार्मिक पार्टनर है आपके साथ तो वो आपको ट्रिगर कर सकता है इस टाइम पे, आपको वो रिलीज़ करना होगा, कुछ ना कुछ रिलीज़, कुछ ना कुछ यू नो, इस तरह का होता है 8-8 पोर्टल। सो इस टाइम अभी कुछ दिन तो ये एनर्जी रहेंगी ही रहेंगी, इसलिए बहुत लोगों की एनर्जी जो है वो अप डाउन हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है एनर्जी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फीलिंग्स इनकी क्या है, इनकी फीलिंग्स ये है कि इनको आपको एक स्टेबिलिटी देनी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने घर परिवार में बात कर रहे हैं आपको लेके इनडायरेक्टली, और घर परिवार से जो है वो अप्रूवल नहीं मिल रहा है, या फिर यू नो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि ऑब्स्टिकल होंगे आपके और इनके मैरिज में, ऐसा लग रहा है इनको। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी तो आपको ये इंसान स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, और अगर लेट हुआ तो आपको कोई और ले जाएगा, ठीक है। इनको ये बात का स्ट्रेस है, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ये इंसान आपके साथ यू नो, अपना घर परिवार देखते हैं, अपनी आगे की ज़िंदगी देखते हैं, बहुत कुछ इमेजिन करते हैं आपके साथ। आप इनको एज हस्बैंड और वाइफ ही लगते हो, भले आप इनसे मैरिज हो या नहीं हो, आपको ये ऐसे ही देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ ये इंसान, ऐसा लग रहा है मुझे। 11-11 की एनर्जी है, तो बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान जो है आपके साथ, अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान मैरिज करने का सोच रहे हैं, आपको एक प्रपोजल देने का सोच रहे हैं। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान, इनको डर लग रहा है कि अगर ये और लेट करेंगे, या फिर और लेट हुई आप लोगों के रीयूनियन में, तो आपको कोई और डेफिनेटली उड़ा के ले जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनके मन में एक डर है, ठीक है, एक डर ये कि यू नो, कहीं ये आपका इंतज़ार करते करते, या फिर चीज़ें अपने आप सही होंगी, ये इंतज़ार में कहीं ये बैठ गए और कहीं आप किसी और के साथ चले गए, तो उस बात का इनको स्ट्रेस है, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं इंसान, आपसे खुशियाँ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिसेप्टिविटी में आप रहें, मतलब जो भी चीज़ें आगे होने वाली है उसके लिए आप रिसेप्टिव मूड में रहें, या फिर आप बहुत कुछ अपने अंदर चेंजेस करें। ये इंसान भी मुझे लग रहा है कि चेंज हो रहे हैं, इनके भी थॉट चेंज हो रहे हैं, इनकी भी फीलिंग्स चेंज हो रही है। सो ये आपसे भी वही चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है, जो कि इनको लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ। कॉफिन की एनर्जी यहाँ पर है,
इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इंसान जो है एक नई सूरज का इंतजार कर रहे हैं। कैसा होता है जब रात होती है तो हम दिन का वेट करते हैं ना कि उजाला कब होगा, सुबह कब होगी, तो ये इंसान उसी सुबह का उसी उजाला का इंतजार करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इनको अभी ऐसा ज़रूर लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो इस पे काम किया जा सकता है, या फिर आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आपसे चाहते हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ ख़त्म हो गई है तो आप फिर से एक रीस्टार्ट करें, आप एक उजाला, एक पॉजिटिविटी लेके आएँ, एक खुशियाँ लेके आएँ आप दोनों के बीच में, आप दोनों की ज़िंदगी में, ये इंसान ये चाहते हैं। हालांकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कट ऑफ करोगे। अब कुछ लोगों के लिए आपको ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं। एक मिनट, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब यू नो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए। पहले कैसा था कि आप इमोशनल थे, तो ये आके आपको कुछ भी बोलते थे तो आप इमोशनली आप इनके बहकावे में हो, या फिर यू नो, इनकी बातों में हो, या फिर किसी भी तरह से आप इनकी बातों में आ जाते थे, इजीली आप मान जाते थे। लेकिन अब आपकी पर्सनालिटी ऐसे नहीं है। अब ये इंसान आपको, इनको मनाने के लिए पता नहीं इनको क्या करना पड़ेगा, इनको नहीं पता है, और ये तो उनको आता नहीं है चीज़ें ठीक करना। ठीक है, तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि करे क्या ये, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो ये देख रहे हैं, आपको जो ये देख रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं। क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब आप इनको कट ऑफ करने का सोच रहे हो, क्योंकि इतने दिन आप एफर्ट ले रहे थे। तो इनको ये समझ में आ रहा था कि आप चाहते हो ये रिश्ता, इसलिए आप एफर्ट लेते हो। लेकिन अभी आप एफर्ट नहीं ले रहे हो तो इनको नहीं समझ में आ रहा कि अब आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। सो अब इनको लगता है कि आप इनको कट ऑफ करोगे अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो। और अगर नहीं, जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखते हैं, ये इनको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, मैरिज करने में अगर कांटेक्ट में हैं आप, अच्छे से बातचीत हो रही है आपके पार्टनर के साथ, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन आपका एक बिहेवियर उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब होता ना कि घर में कैसे एडजस्ट करोगे आप, बहुत प्रैक्टिकल हो आप, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं आपकी, तो आप उनके घर में कैसे एडजस्ट करोगे, ये सब चीज़ का एक डर हो सकता है इनको। ठीक है, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं ऑलरेडी, और जो नहीं है इनको लग रहा है कि आप कट ऑफ करोगे इनको। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप डिवोर्सी हैं, जिस जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, या तो ये डिवोर्सी है, या तो आप मतलब यू नो डिवोर्स हो गया है या फिर प्रोसेस में है, वो एक ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने पार्टनर से ही मैरिड हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यू नो डिवोर्स प्रोसेस हो गया है, अभी ऑब्स्टिकल है, पता नहीं ये डिवोर्स खत्म होगा, मतलब यू नो रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी, ये एक टेंशन लग रहा है। ठीक है, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही चीज़ों को लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं लाइफ में, तो जैसे आपकी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग को लीजिए। मैं सारे सिचुएशंस आपको बता रही हूँ, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं जो आपकी आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपका ऑरा चेंज हो रहा है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इंसान खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो यू नो कहीं ना कहीं आप जो है अपने मिशन पे हो, आप अपने सोल पर्पस पे हो, आप कुछ ना कुछ आप चीज़ों को समझ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। और आपके अकॉर्डिंग ये इंसान, इनको कुछ भी नहीं पता है, आपको ऐसा लग रहा है। सो ये इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है। ठीक है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत ज़्यादा ये आग के बाद भी आपसे करेंगे तो आप बहुत रूडली इनसे बात करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे अगेन है। मैं यही बोल रही हूँ कि कुछ लोग यू नो इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिवोर्सी हैं या फिर ये डिवोर्सी है, तो कम्युनिटी कैसा जो है, कम्युनिटी जो है वो कैसा रिएक्शन देंगी, यू नो लोग क्या कहेंगे वाली रोग इनको है ऐसा। सो ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स लग रही है, मतलब ऑब्स्टिकल लग रहा है ये चीज़ इनको। एक्शन में 10 of cups की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ अपनी सारी खुशियों को देखना चाहते हैं। अब वो खुशियाँ कुछ भी हो सकती है, या तो आपके साथ रहना, या फिर आपसे मैरिज करना, आपको कमिटमेंट देना, रीयूनियन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत लोगों का रीयूनियन अभी पॉसिबल है। अपनी एनर्जीज को प्लीज़ हाई रखिए। अगर आप बहुत डेस्परेट हैं अपने पार्टनर के लिए, बहुत रोना धोना अभी भी आपका चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस एनर्जी में नहीं हैं। रीयूनियन का एक टाइम होता है, ठीक है, जब कलेक्टिव में रीयूनियन होता है। सो अगर रीयूनियन के टाइम पे आपकी एनर्जी लो रहेगी तो आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे वापस, मतलब रीयूनियन नहीं पॉसिबल होगा। इसलिए अपनी एनर्जीज को हमेशा हाई रखिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। हाई वाइब्रेशन में कैसे होना है, आप हीलिंग कैसे करना है, बहुत लोग पूछते हैं कि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, वो काम को कीजिए आप, ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहे। जब हम खुश रहते हैं तो आप देखते हो ना, चेहरे का एकदम ग्लो अलग होता है उस टाइम पे। उदास हम रहते हैं तो हमारी एनर्जी लो रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। सो आपको हाई वाइब्रेशन में रहने का मतलब ये है
कि वो काम कीजिए जिससे कि आपको अंदर से खुशी मिलती है। अब अगर आप एक्टिंग कर रहे हो कि आप दुखी भी हो, डेस्परेट भी हो पार्टनर के लिए, और एक्टिंग भी कर रहे हो कि नहीं हम तो खुश हैं, अब हमारा यूनियन हो जाना चाहिए, तो भी आपका यूनियन नहीं होगा। ठीक है, डिवाइन को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए अंदर से खुश होने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने पैशन को फॉलो कीजिए। म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक सीखिए। डांस सीखने का मन है, डांस सीखिए। गिटार सीखिए। स्पोर्ट्स अगर कुछ ट्राई करना चाहते हैं, आर्ट, म्यूज़िक, कुछ भी, एनीथिंग, जिसको कि करके आपको अंदर से आपकी आत्मा खुश होती है, वो काम कीजिए ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई रहे और आपका फोकस थोड़ा सा अपने पार्टनर से हट के कहीं और जाए, ताकि एनर्जीज जो हैं वो स्टक ना हो, नेगेटिव 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 ना हो। ठीक है, इसलिए, और कहीं ना कहीं जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आपका सैक्रल चक्र जो है वो एक्टिव होता है। जब सैक्रल चक्र एक्टिव होता है तो अपने आप चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है आपसे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। सो यूनियन का टाइम है ये, इस महीने बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन वैसी होगी तो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये इंसान जो है एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइम होगा तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक तो, और इनको आपके साथ कुछ ना कुछ जर्नी ज़रूर फील हो रही है, आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस जर्नी को। ठीक है, सो सिर्फ आपको ही ऐसा नहीं लगता है कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि स्ट्रांग है, इनको भी अब फीलिंग हो रही है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि स्ट्रांग है, जो कि नॉर्मल नहीं है। सो ये इंसान उस फीलिंग्स को अब और ज़्यादा डीपली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, सो टेन ऑफ कप्स मतलब एवरीथिंग, सब कुछ ही आपके साथ देखना चाहते हैं, अपनी सारी खुशियां आपके साथ देखते हैं, आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये इंसान जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ इनकी हैबिट हो सकते हैं, इनका ईगो हो सकता है, और कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है इंसान। ठीक है, एक गुड न्यूज़ ज़रूर चाहते हैं ये इंसान इस रिश्ते में, जो स्टक सी चीज़ें हैं उन पे, एक मूवमेंट चाहते हैं। बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके साथ जो इंसान देख रहे हैं और उनको पूरा करना है। माई गॉड, उनको पूरा करना है। कहीं ना कहीं इनको जो है एक लैकिंग कॉन्शियसनेस है, इनको लगता है कि अब आप नहीं अपनाओगे इनको, आपने इनको छोड़ दिया, इनको ऐसी फीलिंग्स आती है। ठीक है, इनको लगता है कि आपने छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, कुछ लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिल रहा होगा, तो ये सब देख के इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनकी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, पहले आपको ज़रूरत थी इनकी, अब इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो द सोर्स, बहुत कुछ मैंने बोला ना कि ये इंसान जो है ना बहुत कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़े हैं, सरेंडर किया है इन्होंने कि चीज़ें खुद पर खुद ठीक हो जाए, या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन, कोई प्रेयर, ऐसा कुछ चल रहा है इनका। ठीक है, अगेन अबंडेंस की एनर्जी है, या तो इनको अबंडेंस मिला है या फिर आपको अबंडेंस मिलने वाला है, सडन वेल्थ। ठीक है, कुछ ना कुछ एक सडन वेल्थ आपको मिल सकता है या फिर अपने आपके पर्सन को मिला है, ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेजेस थे आप दोनों के ही, तो अभी हील हो सकते हैं वो ब्लॉकेजेस। और सडन वेल्थ का मतलब यही होता है, खजाना का मतलब क्या होता है, ट्रेजर, एक्चुअल ट्रेजर क्या होती है, खुशियाँ होती है ना। तो सडनली कुछ ना कुछ एक्शन आपको इस पर्सन से रिसीव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन में क्या होने वाला है। बहुत लोगों का यूनियन ज़रूर होने वाला है, बस अपने एनर्जीज़ को थोड़ा सा आपको हाई करना पड़ेगा। वो काम कीजिए जिससे कि बहुत खुशियाँ मिलती हैं, वो काम बिल्कुल मत कीजिए जिससे कि मन उदास होता है, एकदम से वाइब्रेशन लो हो जाएगी आपकी और यूनियन होते होते रह जाएगा। ठीक है, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखिए, दोनों जो हैं हाथ पकड़ के कहीं जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। सो एक ऐसा टाइम अभी आने वाला है जब आप दोनों को एक दूसरे में, सबसे अलग होंगे आप और एक दूसरे में, खोएंगे, जैसा कहते हैं ना कि एक दूसरे में ही खो जाएंगे, वैसी एक एनर्जी की ज़रूरत है अभी। ठीक है, मतलब एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है आप लोगों को अभी। ये इंसान यही चाहते हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। मैंने बोला ना, यही है एनर्जी जो हम कहते हैं ना कि खुश रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ लव,
आप अपनी आत्मा को जब आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही बाहर की आत्माएं जो हैं ऐसे समझिए इसको, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करेगी, मतलब आपको रिस्पेक्ट करेगी। अब आत्मा आत्मा बोलेंगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन यही चीज़ है कि आप खुद को जब रिस्पेक्ट दे रहे हो तो ही आपको बाहर से रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट करके यूनिवर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए। जब आप खुद को डिसरिस्पेक्ट करके किसी और के पीछे भागते हो तो आप यूनिवर्स में ये मैसेज दे रहे हो कि आपको अपनी वैल्यू नहीं है, तो सामने वाला इंसान भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। समझिए सब, ठीक है। सो ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही एनर्जीज काम करती हैं। आपको अपनी रिस्पेक्ट पहले करनी होगी। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो आप और भी ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव होते हो। सामने वाले इंसान को आप एक बाउंड्री देते हो, यहाँ से आगे आपको नहीं बढ़ना है, जैसे कि ब्लॉक कर देते हैं आपके पर्सन, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आपने उनको वार्निंग दी होती कि इस तरह की बिहेवियर नहीं चलेगी आपके साथ, तो शायद उनको हिम्मत नहीं होती। लेकिन आप लोग इतना डरते हो कि अगर ये आप बोलोगे तो फिर से ब्लॉक कर देंगे आपको, फिर से चले जाएंगे। सो एक बाउंड्री आपको सेट करना होता है, कहाँ से और इंसान जो है वो आगे क्रॉस ना करे, वो आपने नहीं किया, वो आपको करना है। सेल्फ लव कीजिए। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, सो दैट इज कम्स टू यू नाउ। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं अभी भी, पार्टनर चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं पता, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ हो गया है जो कि भुलाए नहीं भूलता है, और अब ये इंसान चाहिए भी, कभी कभी मन में ऐसा होता है कि नहीं फिर से रियूनियन हो जाए, लेकिन फिर जब पास्ट की बातें याद आती तो लगता है कि नहीं नहीं ज़रूरत है। सो एक्सक्यूज मी, सो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको चाहिए क्या। आप एक बार ऐसा होता होगा कि आपको चाहिए, एक दिन आपको ऐसा होता होगा कि नहीं रियूनियन हो जाए, फिर उस दिन पूरा आपको ऐसा लगता है कि नहीं आ जाए पार्टनर आपके वापस, नेक्स्ट डे आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पार्टनर। तो आप ये कन्फ्यूज़ वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन वाली, तो आपके पार्टनर भी वैसे ही बिहेव करेंगे, यूनिवर्स भी कन्फ्यूज होंगे भाई चाहिए क्या आपको, ठीक है। तो इसलिए क्लियरली डिसाइड करें कि आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए तो मूव ऑन कीजिए, ठीक है, और चाहिए तो रिसेप्टिविटी के साथ एकदम रिसीव करने के लिए रेडी रहिए रियूनियन। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। देखिए जब तक आपके पार्टनर नहीं आते हैं एकदम स्टक मत रहिए, उनका वेट मत कीजिए, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बातचीत, अगर किसी के साथ बात करते हैं, कोई पुरानी फ्रेंड है तो हेल्दी फ्लर्ट, ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी और के साथ बिजी हो जाएं, ऐसा नहीं, लेकिन हेल्दी फ्लर्ट करने की जरूरत है ताकि आपकी एनर्जी लाइट हो। ओके, हंसी मजाक जिसे हम कहते हैं डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए या तो आप या तो आपके पार्टनर ये जो दिखा रहे हैं ना कि हमें नहीं चाहिए रिश्ता, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स भी ऐसे हैं जो कैसा बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए ये पार्टनर। देखिए अभी आपको नहीं चाहिए अगर आपके पार्टनर, तो भी आप रीडिंग देख रहे हो, तभी अभी आप कनेक्टेड हो उस एनर्जी से, है ना। नहीं चाहिए होता तो बिल्कुल कट ऑफ करना होता है, बिल्कुल कॉर्ड कट करना होता है ताकि वो एनर्जी आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में नहीं आए। सो अगर अभी भी आप रीडिंग देख रहे हो, अभी भी इस इंसान की आप फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई डोर अभी भी बंधी हुई है। ओके, रिलीजियस फैक्टर, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हो सकता है, या तो फिर एज डिफरेंस हो सकता है, या तो फिर कॉम्प्लेक्शन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल है। ओके, या फिर फैमिली बैकग्राउंड या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।